हिंदुत्व का भावना है सब पे, हिंदू ज्यादा है यहाँ पे, हिंदू प्रदेश होना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ये अलग स्टेट का क्यों नहीं जरूरत है, स्टेट की जरूरत तो है हिंदू की। अच्छा है, हिंदुओं की भूमि होनी चाहिए जैसे हिंदुओं की। हाँ, मुस्लिम लोग यहाँ पर आ करके उन्होंने बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली है ना, रोजगार की कमी है तो उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा रोजगार तो उन्होंने छीन लिया है, दुष्प्रचार उनका चल रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं कि राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और वही कड़ी जो है उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दे रही है। ये पहले मैार ऐसी होती थी और अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। अंग्रेजों के जमाने से सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आज वो हिंदू देव भूमि क्यों हो गई? भारत माता की, भारत माता की। Demolition of innumerable shrines, attacks on masjids and madrasas, economic boycotts of Muslim shopkeepers, as well as the mass exodus of Muslim residents. All of these are systemic efforts at converting and cementing Uttarakhand as India's Devbhoomi, an exclusive Hindu-only land. मेरे घर पे ना दो ही नहीं, क्योंकि अभी मेरा घर तैयारी हो रही था, मेरे घर में शादी थी ना, लो ये घंटी तोड़ी, ये बहुत तोड़ी, पहले तो अंदर से देखते। Munifa Khatun had stepped out to buy vegetables and visit a neighbor on 14th February 2024. Almost a week after the madrasa and masjid right in front of her home in Haldwani's Banbulpura area were demolished by the authorities, and six people were shot dead in the following hours. While Munifa was at the neighbor's place, she alleges she saw police officers barge into her decades-old home and destroy it. A home which she had only recently gotten refurbished for her son's imminent wedding. The madrasa and masjid that once stood right in front of Munifa's residence have been replaced by a police chowki, and the demolition has left not just destruction but also regret in its wake. बच्चों ने कहा था कुछ दिनों पहले इसे 35 लाख रुपए मिल रहे थे, कह रहे थे मैं मकान बेच दूँ। मैं बोली मन की बेटा गांव में मेरा दिल नहीं लगता, मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ, मन की मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे लगता ही अच्छा था हल्द्वानी, मैं हल्द्वानी में रही हूँ पहले से। ये मुझे इतना बड़ा थप्पड़ मिला, बच्चे ये कह रहे हैं कि आज हम अपनी अम्मी के उससे रोड पकवा गए। A few feet away from Munifa's home, another woman alleges the police barged into their residence and created havoc. काफ़ी पुलिस वाले थे अंदर आके तोड़ फोड़, और हमारी नंद हैं, आप लोग यहीं बैठे थे? हाँ, यहीं पर थे हम, आके अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ करी, तोड़ फोड़ करने के बाद में हमारी एक राड नंद है, उनके शौहर ख़त्म हो गए, उनके ऊपर फौरन बंदूक तान दी, बच्चे रोने लगे, ये तो मेरा 7 साल का लड़का, उसके ऊपर भी बंदूक तान दी थी। और क्या बोल रहे थे बंदूक तानते? बहुत बदतमीजी कर रहे थे, हमारा मीट रखा था फ्रीज में, बोल रहे थे ये गोश्त की खाती है, सुअर खाया करो। बहुत पुलिस ने बोला इधर? जी सब बहुत बदतमीजी कर रहे थे, बहुत यही बोल रहे थे कि आदमी कहाँ है तुम्हारा, आदमी लाओ तुम अपने, अब जब थे ही ना तो आदमी उस टाइम पे। द उत्तराखंड पुलिस हैज रिफ्यूटेड एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेवियर विद वुमेन। कुछ एलिगेशंस जो है वो पुलिस पे लगाए गए कि पुलिस ने जो है कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अभद्रता की, कुछ महिलाओं से बदतमीजी की, इस तरह की कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है, तो पुलिस जो है इसमें पहले से ही जो है बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, पुलिस ने सारी जो अपनी प्रक्रिया है एक कानून के तहत जो है पूरी इन कैमरा पूरी प्रक्रिया हुई है पुलिस की सारी, और जो है इसमें इस तरह पुलिस के सामने जो है कोई ऐसा विथ एविडेंस कोई ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया, अन्यथा इसमें जो है एक मैजिस्ट्रियल जांच भी कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही है। After the madrasa's demolition, shoot-at-site orders were issued by the authorities. Six people were killed, among whom were 43-year-old Zahid and his 17-year-old son Anas. हमारे दामाद छड़ेल में काम करते थे, उनको फोन किया, मैंने कहा भैया
यहाँ फोर्स गई हुई है मलिक के बगीचे में, तुम जरा देखभाल के अपने घर को आना। तो बोले ठीक है खाला, आप परेशान ना हो, मैं अपना टाइम से घर आ जाऊँगा। आ गए वो टाइम से, घर भी आए तो बेटी ने हमारी कहा कि ज़रा दूध ले आओ नवासे के लिए, दूध ख़त्म हो गया है, क्या पता क्या है क्या नहीं है, दुकानें बंद होती चली जा रही थी। तो वो दूध लेने के लिए बस 150-200 मीटर कदम की दूरी पे वो गए घर से, और वहाँ फ़ोन पे बात कर रहे थे, और बात ही करते करते इतने में गोलियाँ चली। पीछे से बेटा गया कि ला मैं अपने पापा को देख के लाऊँ, दूध लेने इस वक्त क्यों निकले। अब पता नहीं बेटे ने गोली लगते हुए देखा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको भी वहीं पर गोली का निशाना बना दिया। The police and the authorities subsequently labeled the six who had died as rioters. ये दंगा ही नहीं है, ये शहीद हुए हैं, ये कोर्ट या कोई भी बोले ये गलत है इनका। अगर इंसान बाहर अपने किसी मजबूरी में निकल के जा रहा है तो क्या वो दंगा ही है? और अगर आपको ये लग रहा है जो दंगा ही है तो उनको पकड़ो और उनको सजा दी जाए। हमारी तो जन्म तिथि यहीं की है, हम तो साल क्या बताएं, हमारी तो बाप दादा नानी नाना सब यहीं करते। इंदिरा कांड में कभी ऐसा नहीं हुआ, कमला कांड हुआ उसमें नहीं हुआ, कभी भी अगर कोई, पहले तो दंगे नहीं होते थे, अगर हुआ भी तो ऐसी फिजा कभी ख़राब नहीं हुई जैसे अब हुआ है कि कितने लोग मारे गए, फायरिंग हुई है इसमें, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं था। In December 2021, an assortment of Hindu religious leaders and Hindutva activists came together in Uttarakhand's Haridwar for a three-day event called the Dharm Sansad or Religious Parliament, where explicit calls to pick up arms against Muslims were made. या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। This was followed up later by this video statement from one of the primary leaders of the Dharm Sansad, Swami Prabodhanand Giri, where he spoke specifically about the Dev Bhumi of Uttarakhand. मेरे देव भूमि के प्रिय देव भूमि वासियों, देव भूमि जिहादियों के चुंगल में आ गई है, यह आप सबको पता है। आए दिन जिहादी लैंड जिहाद और लव जिहाद कर रहे हैं। Such assertions of needing to protect the Devbhumi have frequently led to ordinary Muslims becoming the victims of subjugation and economic boycotts. For instance, in May 2023, when two men, Jitendra and Ubaid, allegedly attempted to abduct a minor Hindu girl in Purola, a rumor of love jihad was manufactured, even though one of the kidnappers was Hindu. Members of the Muslim community were targeted with explicit boycott posters and Nazi-like black markings painted on their shops. A month later, in June 2023, in Haldwani's Kamalwa Ganja, a Muslim carpenter, Nafis, was beaten, paraded and had his head shaved off by locals after a rumor spread that he had allegedly raped a cow. Right-wing portals circulated this news even as locals said that all this was a false rumor spread by his employer over an argument over his unpaid salary. Regardless, Muslim shopkeepers in the area who had nothing to do with Nafis's case were harassed and forced out. Some Hindu landlords stepped in to safeguard the Muslim tenants. प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार ने मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी, कोई गलत काम करेगा क्योंकि आपको मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी, गारंटी मेरी है कि मेरे वहां जाकर पूछिए, अगर सब कुछ होगा तो बताओ। The Quint visited Kamalwa Ganja in February 2024, over 7 months after the incident, where Muslims still live in a state of uncertainty and fear. This salon by Farzand Ali has still not fully recovered from the vandalism. जो मुसलमान दुकानें थी उन्हीं पे हमला हुआ सिर्फ? जाओ दुकान बंद करके जाओ भैया, जाओ दुकान बंद करके।
Other shopkeepers in Kamalua Ganja, like this one Muslim carpenter, were too scared to speak on camera. लोगों मतलब जो बाहर के लोग हैं निकालना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ से हल्द्वानी से जो मुसलमान लोग हैं कई मरतबा हो गया तीसरी मरतबा है ये अभी पिछले साल हुआ था तो क्या हुआ था? कोई गाय का मसला रखा था रेप का उसका तो उसमें जो है उसमें भी यही हुआ था दुकानदारों पर मतलब दबिश डाली थी जो बाहर के लोग हैं मॉडर्न लोग हैं मुसलमान. Earlier in May 2023, a simple wedding card had caused a whirlwind across Uttarakhand and the country. It was the wedding card of the daughter of Yashpal Benam, BJP leader and Pauri municipal chairman. His daughter was set to marry a Muslim man of her choice. After the backlash and pressure from Hindutva organizations, Benam had to cancel the wedding. मैं समझता हूँ कि शादी कराना मुझे कुछ स्वयं शोभा नहीं दे रहा है क्योंकि तमाम हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है. One of the people who was credited for putting pressure via protests against the BJP leader to cancel the wedding was Darshan Bharti, who was also part of the Haridwar Dharam Sansad. He runs an organization called the Dev Bhumi Raksha Abhiyan. As per the Dev Bhumi Raksha Abhiyan's website, the mission of the organization is to thwart any attempt to hurt the Dev Bhumi's culture, religion and values. The mission also speaks against halal food certification, land jihad and religious conversion. We mostly work on the cultural, on saving and reinstating the cultural, traditional, religious and socio-economic status of Uttarakhand. But what is the Dev Bhumi and why is it in need of reinstatement? And what does it need to be protected from? देखिए सब जगह मंदिर तो ज़रूर हैं लेकिन उत्तराखंड का तो जो मूल है वही मंदिरों में व्याप्त है. यहाँ का जो व्यक्ति है वो धार्मिक भावनाओं के साथ तो जुड़ा हुआ ही है. यहाँ का रोज़गार भी धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है. देखिए चार धाम यहाँ पर हैं और एक ऐतिहासिक महत्व रहा है. आदिकाल से ही इन धामों में पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं. Uttarakhand is replete with many important temples and religious sites, with people's sentiments particularly linked to Haridwar. In June 2023, this video of a man yelling at a Muslim family to go away from the Ganga Ghat went viral. He said only Hindus are allowed here. Back in 2015, Yogi Adityanath, who is now the UP Chief Minister, had demanded that non-Hindus be banned from Har Ki Pauri, a famous Ganga Ghat in Haridwar. Further back in 2006, then UP Chief Minister Mulayam Singh Yadav had courted controversy after he organized an iftar on the banks of Ganga in Haridwar. Every few months, a video of Radha Semwal Dhoni, a right-wing nationalist based in Uttarakhand, goes viral. If she is not harassing Muslim vendors, she is demolishing mazars. But the campaign against the encroachment of mazars or shrines has primarily been led by the chief minister himself, Pushkar Dhami. राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम देवभूमि का जो मूल स्वरूप है जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हम यथासंभव As of May 2023, the Uttarakhand government had demolished 440 shrines and 45 temples as part of its anti-encroachment drive. The Nathan Pir Baba Mazar in Tarai Western Forest Division near Ramnagar was one of them. Liaqat Hussain, caretaker of the mazar, still frequently visits the site where the mazar once stood. The vibrant, decades-old site is nothing but barren land now. हाँ जी ये दरगाह थी. कितनी बड़ी थी? ये थी 20x20 की.
उसके साथ में पक्की कब्रें थी जो यहाँ मुजाविर खिदमत करती थी। मेरे पापा का यहाँ से यहाँ 16 साल पहले मटर हुआ है, उनकी भी कब्र यहीं थी। नहीं, वो आपके वो केयरटेकर थे आपसे पहले वो? हाँ 16 साल पहले वो पापा थे हमारे। उससे पहले कौन थे? उससे पहले एक हिंदू ठाकुर थे। अच्छा। उससे पहले पाकिस्तान के मलंग थे, मस्तान। बहुत फकीर रहे, सदियों से है, कोई आज से नहीं है, कोई नई कहानी नहीं थी। और एरिया सब मानता है, बड़ी बड़ी दूर से यात्री आते थे। ये सब कब्रें हैं पक्की जो गुजरों ने बना दी थी। कब्रें भी तोड़ दी? हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया। देखो सब कब्र हैं ये। It is primarily the one Gujjars or those communities who live and survive in the jungles who had buried their dead next to the mazar. Like Khatun Bibi, whose family has been living here for generations. हमारे तो सारा परिवार में यहीं दफनाते हैं, यहीं दफन होता है यहीं। मेरी लड़की भी थी एक छोटी, उसको भी यहीं दफनाया था। हाँ, जेठानी हमारी, वो भी यहीं दफनाई गई थी। सास ससुर भी यहीं है। कहीं कोई कब्रिस्तान है आसपास? ना, कहाँ यहाँ आसपास कहाँ है। वो दफनाने एक परी तरफ की लड़की ख़त्म हो गई थी, वो उसको दफनाने के लिए पूजा और वो दफनाने नहीं दी वहाँ पर। Incidentally, not too far from the demolished mazar is a temple called the Sati Mandir, next to which the priest of the temple, Shiv Shankar Sharma, resides with his family. He says around the time the mazar was demolished, the authorities came knocking on his door too. But while the mazar was demolished, the temple wasn't. यहाँ भी आए थे, फिर उन्होंने अपना देखा भी होगा कुछ। तो उन्होंने आपको आके बोला शुरू में कि ये मंदिर हटना होगा, क्योंकि क्या बोले? उन्होंने कहा ये जंगलात की भूमि है, लेकिन हमारा जो मंदिर है ना, ये जो NH निकल रहा है यहाँ से, पहले ये यहाँ नहीं था, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे था। और दूसरी बात ये है, ये जो भूमि है जहाँ हम बैठे हैं, ये बुक्सों की भूमि है, ये भारत सरकार की भूमि थी नहीं। वन की लैंड से अगर हटाना है तो देखिए, मंदिर तो सार्वजनिक होते हैं, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपने ज़मीन ही चाहिए तो आप ग्राम समाज में ज़रा जाके देख लो, आधे आधे गांव खाली हो जाएंगे अगर ग्राम समाज की ज़मीनें खाली करवाएं तो कम से कम भी नहीं है तो 1,000 acres भूमि वहां निकल जाएगी। On the highway running parallel to the Sati Mandir and the demolished Nathan Pir Baba Mazar are multiple such banners featuring Prime Minister Modi and Chief Minister Dhami informing the public of their temple development programs. In Ramnagar city, another centuries-old mazar that was demolished in 2023 was the Thapli Baba Mazar. Most of its visitors, too, were Hindus who lived nearby. ये पहले मजार ऐसी होती थी और अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। ऊपर बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, बिल्कुल कोई मजार नहीं दिखाई देती, नहीं तो ऊपर से ऐसा दिखाई देता था ये मजार शरीफ। नहीं, मानते तो सभी थे, मतलब 75% तो हिंदू मानते थे और 25% मोमडन। अच्छा। वो भी जो बाहर क्षेत्र से आते थे। इतने मानते थे भाई। आप हिंदू हैं? हम तो हिंदू हैं। Despite the syncretic following of these mazars, the Devbhumi concept has found many takers among ordinary folk. मानते क्या थे, जाते थे लोग तो हम भी चले गए। माना नहीं माना, क्या हम तो अपने भूमि को मानते, सनातन को। अलग स्टेट क्या, क्यों नहीं जरूरत है, स्टेट की जरूरत तो है हिंदू की। अच्छा। होनी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू रहे हैं, पहले सनातनी लोग रहे हैं, तो इस हिसाब से मतलब 84,000 देवी देवता रहे हैं, तो इस हिसाब से तो यहाँ हिंदू लोग रहने चाहिए ज़्यादा, अधिकतर लोग रहने चाहिए। पर बाकी सबका कारोबार है, अपना कार्यक्रम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई हमारा मकान बनाया है तो दूसरे जाति के लोग आएंगे, हमें तो आता नहीं है, मैकेनिक हैं, कोई भी चीज़ कमी है तो आए तो लोग आ ही रहे हैं, बाहर से कर ही रहे हैं सब लोग। हमारे तो पूरे मोहल्ले में एक, मैं हिंदू बाकी सब मोमडन है, उनके बीच में रह रही हूँ। भगवान कृपा से कभी हम पर चूक भी ना हुई तो मैं कैसे कहता हूँ मुसलमान का अच्छे नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं है। जब हिंदू आएंगे, हिंदू कोई आगे बढ़ेंगे, कोई काम करेंगे, तो हम तो हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ क्यों रहेंगे। कल एक मोर्चा चला कि हिंदुओं के लिए हो उत्तराखंड से, तो आप उसमें मानती हैं?
तो सपोर्ट तो है ही, फिर हिंदू हिंदू है हम। जब आएगी नौमत हटाने की तब सरकार हटा ही देगी, तो हमारे बस की बात भी ना, तो हम जो उनसे कह देंगे तुम मत हटो और हिंदू आएंगे यहाँ पर। तो आप मान जाएंगे अगर सरकार मुसलमानों को हटाने आई यहाँ पे? तो हम साथ ही चलेंगे सरकार के साथ। हाँ बिल्कुल साथ ही हम तो अब तक। आपको ये नहीं लगेगा अपने मुसलमान नेबरों का साथ दें आप जो उनके साथ रहती हैं? देखो अब जिसके चार जने साथ होंगे उसके साथ तो हम जाएंगे, आपके साथ चार होंगे तो हम चार जाएंगे, उनके साथ एक तो कैसे जाएंगे हम। Uttarakhand emerged as a separate state in the year 2000 after several activists fought for the Uttarakhand movement, which wasn't a demand for a Devbhoomi Hindu state, but was primarily an anti-reservation movement. Prabha Dhyani was one of the members of the movement. 94 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और उसके पीछे जो मुख्य कारण था कि जो तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी की, उन्होंने शिक्षा के अंदर प्रवेश में 27% OBC आरक्षण को लागू कर दिया गया था। उत्तराखंड मूवमेंट में 42 लोगों की शहादत हुई, हर धर्म के लोग मरे, उसमें सलीम भी है, उसमें सिख भी थे, हमारे महिलाएं थी, तो इसमें हर कम्युनिटी के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन अब 2014 के बाद ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, जो पूरे देश का जो पूरा यहाँ पर जो ये फैलाया जा रहा है, खास करके एक उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के तौर पर हमने देखा कि ये अभी टिहरी के अंदर हुआ, अभी हल्द्वानी के अंदर हुआ, तो ये जगह जगह पर इस तरह से ये फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम लोग यहाँ पर आ करके उन्होंने बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीद ली है या हमारे कारोबारों पर कब्जा कर लिया है, इस तरह का उनका एक पूरा एक दुष्प्रचार उनका चल रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है इस तरह से, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। There are also devout Hindu believers who are strongly against the idea of a Hindu-only Devbhoomi. नहीं होने चाहिए। ये नहीं मानते। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं। हम नहीं मानते इस चीज़ को। सब मिले जुले हैं। हम उस चीज़ को मानते हैं। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू को ही मानते हैं। यहाँ पर मेरे पास ही पत्रकार आए थे, लेडीज थी, तो एक हमारे मित्र रोज के ही मिलने जुलने वाले, मतलब वहाँ आते रहते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, और जय श्री राम बोलते रहते हैं, हम भी उनको बोलते रहते हैं। इतने में वो लेडीज आई तो मेरे से ज़ोर से बोलने लगी, आप ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, उन दिनों की बात है जब अयोध्या वाली बात हुई थी, ज़ोर से बोलिए। मैंने क्यों, मैं जिन्होंने मुझसे जय श्री राम बोला उन्होंने सुन लिया, जवाब दे दिया, आप किस बात पर करी, मैं रोड के पार उधर वालों को आवाज़ लेके कहूँ जय श्री राम, नहीं अयोध्या में ये हो रहा है। मैंने आपने आते ही आपने क्यों नहीं कहा जय श्री राम, ये बताइए, माथे में त्रिपुंड लगा लिया आज आपने, क्या रोज़ लगाती हैं आप में, ये बताइए पहले, आप एक दिन के लिए लगा रखा है सिर्फ, आपने आते ही जय श्री राम बोला, नहीं बोला ना, तो मुझसे कैसे कह रही हैं आपकी जय श्री राम जोर से बोलो। दिखावे को नहीं मानता हूँ, पूजा पाठ हम भी करते हैं, रोज़ नहाते हैं धोते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, हैं मन में बसे होने चाहिए, ये दिखावा करने से कुछ नहीं होता। भी सरकार UCC लेकर के आई है, UCC को लेकर के भी सरकार जो सोच रही थी कि सोसाइटी के अंदर उसकी वाहवाही होगी, लेकिन सोसाइटी ने भी बहुत ठंडा रिएक्शन UCC को लेकर के दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर तो बाकायदा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि राम के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और वही कड़ी जो है उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दे रही है। If you like our reporting, do consider becoming a member of The Quint so that we can continue bringing reportage from the ground like this one.